बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। एक मैट्रिक्स गिवन है किसमें, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स में, एक्स के फंक्शन में एक मैट्रिक्स गिवन है। इसका क्या मतलब अभी बता रहा हूँ। क्या मैट्रिक्स गिवन है? मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या कॉस एक्स है, ठीक है, इसमें एक्स है, या माइनस साइन एक्स है, ये तीसरा एलिमेंट है जीरो। फिर क्या हमारे पास माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 एंड वन, ये तो मैट्रिक्स दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका ये मतलब है कि बात को सुनना ध्यान से, इस एक्स की जगह यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इस एक्स की जगह अगर मैं वाई डाल दूँ, यहाँ पे वाई डाल दूँ, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जहाँ भी तुम्हें एक्स दिख रहा है ना, वहाँ तुम्हें वाई रिप्लेस करना होगा। मान लो यहाँ पे मैंने वाई डाल दिया, मान लो यहाँ पे मैंने इस एक्स की जगह यहाँ पे वाई डाल दिया, तो फिर मुझे यहाँ भी वाई डालना होगा, यहाँ भी वाई डालना होगा, यहाँ भी वाई डालना होगा, यहाँ भी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे मुझे अगर इस एक्स की जगह मैंने डाल दिया एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे जो तुम्हें एक्स दिख रहा है ना, इस एक्स को भी तुम्हें किससे रिप्लेस करना होगा, एक्स प्लस वाई से। फिर ये जो एक्स दिख रहा है इसको किससे रिप्लेस करना होगा, एक्स प्लस वाई से। फिर ये जो एक्स दिख रहा है इसको किससे रिप्लेस करना होगा, एक्स प्लस वाई से। फिर यहाँ पे जो तुम्हें एक्स दिख रहा है इसको किससे रिप्लेस करना होगा, एक्स प्लस वाई से। पहली बात ये समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, एक मैट्रिक्स गिवेन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के फंक्शन में एक मैट्रिक्स गिवेन है, और हमें क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, हमें बोल रहा है प्रूफ करने के लिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, ठीक है। फिर क्या है साइन एक्स, फिर क्या है कॉस एक्स, फिर क्या है गिवन जीरो, फिर क्या है यहाँ पे जीरो जीरो वन, ये हमारा एफ ऑफ एक्स जो गिवन है। उसके बाद यहाँ मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में एफ ऑफ वाई, तो इसको मान लो कि हमने अब यहाँ से फिर एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ वाई निकालते हैं, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स में मैट्रिक्स के अंदर जहां भी तुम्हें एक्स दिख रहा है उसको किससे रिप्लेस कर दो, वाई से, तो क्या हो जाएगा ये कॉस वाई माइनस साइन वाई और जीरो। फिर यहां क्या हो जाएगा साइन वाई, फिर क्या हो जाएगा कॉस वाई, और ये क्या हो जाएगा जीरो। फिर यहां ये जीरो जीरो ये वन, ये क्या मिल गया हमें एफ ऑफ y मिल गया। फिर एक बार ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं f ऑफ x प्लस वाई, तो f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x में जहां भी तुम्हें इस फंक्शन में जहां भी x दिख रहा है वहां क्या डाल दो, x प्लस वाई, तो हमें क्या मिल जाएगा f ऑफ x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा ये जीरो, फिर यहां पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा जीरो। फिर ये हो गया जीरो, फिर ये हो गया जीरो, फिर ये हो गया वन। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसको लिखते हैं, वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, f ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करो और दिखा दो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल है, अब हमने उठाया क्या, f ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये हमने लिया, तो f ऑफ एक्स को यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा f ऑफ एक्स है, यही है ना एफ ऑफ एक्स, ये हमने किया, यहां से एफ ऑफ एक्स को पुट करते, ठीक है। अब फिर एफ ऑफ वाई, ये हमारा एफ ऑफ वाई,
ये है एफ ऑफ वाई, तो इसको भी ले आते, ये हो गया हमारा एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब क्या है कि ये दोनों 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बीच में प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट रो उठाया और यहां से फर्स्ट कॉलम उठाया, यहां से फर्स्ट कॉलम उठाया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और फिर रो वाइज लिखेंगे, फिर यहां से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन तो ऑलरेडी बता रखा है। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखना ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या होगा, कॉस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस वाई से, तो क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर माइनस साइन एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वाई से, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ऐसे हो गया। फिर जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से, तो यहां पे ऐड करना है जीरो तो छोड़ दिया। फिर फर्स्ट रो इसका आ जाएंगे सेकंड कॉलम, तो कॉस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन वाई से, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ऐसे हो गया। फिर बताओ माइनस साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस वाई से, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करते क्या है, एक मिनट, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमारा फर्स्ट रो में क्या हुआ, सेकंड रो को हमने क्या किया, सेकंड रो साइन एक्स कॉस वाई, तो क्या होगा, अच्छा फर्स्ट रो में चल रहे हैं कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर क्या होगा जीरो इंटू जीरो, तो जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर अब आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या होगा कॉस एक्स इंटू जीरो, तो कॉस एक्स इंटू जीरो क्या होगा जीरो, तो माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो इंटू वन जीरो, तो यहां पे फाइनली क्या मिला हमें जीरो, क्लियर है। अब आ जाओ, अब आएंगे हम लोग सेकेंड रो, अब सेकेंड रो स्टार्ट होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर क्या होगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो से, फिर ऐड करेंगे तो जीरो प्लस इंटू जीरो जीरो, तो यहां पे ऐड करना है प्लस जीरो, तो रहने दिया। फिर हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन वाई से, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ऐसे हो गया। फिर कॉस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस वाई से, तो प्लस क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर ये जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो होगा मल्टीप्लाई जीरो से, तो क्या होगा जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, तो रहने दिया। फिर आ गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो साइन एक्स जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो गया, फिर कॉस एक्स जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, जीरो वन से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, तो यहां पे जीरो आ गया। अब हमारा काम हुआ, अब आए थर्ड रो, फिर थर्ड रो पे क्या होगा जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस वाई से, तो ये हो गया जीरो। फिर जीरो मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन वाई से, तो प्लस अगेन जीरो। फिर वन किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो से, तो फिर प्लस जीरो। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जीरो मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से, तो यहाँ पे जीरो। फिर जीरो कॉस वाई से, तो प्लस जीरो। फिर वन किससे, जीरो से, तो प्लस जीरो, ठीक है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो आया। फिर क्या होगा जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो, फिर वन इंटू वन प्लस वन, ये हमारा फाइनल तो नहीं, ये मैट्रिक्स हो गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब तुमको ध्यान दो कि इसमें क्या लिखा है, ये हमारा क्या बना हुआ है, जैसे देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का, या ए प्लस बी बोलो या एक्स प्लस वाई बोलो, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई।
और अगर मैं बोलूँ कॉस ऑफ ए एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई सेम रहेगा बट यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये साइन एक्स इंटू साइन वाई सेम होगा। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, तो ये क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और अगर मैं साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बोलूं तो ये सेम होगा, इस प्लस की जगह माइनस और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान से देखो कि ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसमें से ना माइनस कॉमन लो, चलो मैं लेके दिखाता हूँ। और यहाँ से क्या करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दो और इसको राइट हैंड साइड कर दो। मतलब क्या, ये देखो, इसको देखना ध्यान से। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात की ये हमारा फॉर्मूला बनेगा ये फॉर्मूला क्या बनेगा। ये तो हो गया कॉस ए प्लस बी का, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर मैंने क्या बोला, इससे माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे यहां पे तो क्या होगा बताओ, माइनस कॉमन लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इंटू साइन एक्स, और ये जीरो रह गया। फिर बच्चों ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का, देख लो, या साइन एक्स प्लस वाई का, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहां क्या है, इसको राइट हैंड साइड पे कर दो, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो तुम्हें फॉर्मूला विजिबल हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये हो गया जीरो। और ये क्या है हमारा, जीरो जीरो वन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 001। तो यहां पे क्या हो गया, ये 001। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये तो हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इससे जब माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, ये तो फिर साइन ए एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया ना, ये क्या बन गया, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, एक माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो गया जीरो, ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, देख लो, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हमारा 001। अब बच्चों तुम इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स है, क्या तुम्हें इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं दिख रहा है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही तो हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने प्रूफ। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा पहले बात की प्रूफ हो गया, और क्या हो जाएगा, ये हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 14 में। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, शो डैट
दिस लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, और सेकेंड पार्ट में क्या है, फिर वही सेम चीज कि लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है, तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तुम देखो ध्यान से एक बार, तो एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ए मान लो, इस मैट्रिक्स को बी मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ए बी, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, बी ए। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। इन जनरल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। फिर देख लो, इसको मान लो कि सी मैट्रिक्स है, ये डी मैट्रिक्स है, और फिर देख लो यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी सी लिखा है। तो बोल क्या रहा है कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इस क्वेश्चन से तुम्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो गया हमारा 14, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 14 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है हमारा 5, 6, -1 and 7 ये मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स क्या दे रखा है 2, 1, 3, 4 ये इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या 2, 1, 3, 4 और क्या है ये 5, -1, 6, 7 तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम है कि लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, इस मैट्रिक्स को पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, और दिखा देंगे दोनों आपस में, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके उठाया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5, -1, 6 and 7 और यहाँ पे क्या है ये 2, 1, 3, 4 और मल्टीप्लीकेशन तो अभी तक सीख गए होगे। तो क्या होगा 5 into 2, 10 फिर क्या होगा -1 into 3, -3 फिर क्या होगा 5 into 1st row 2nd column 5 into 1, 5 फिर क्या होगा -1 into 4, -4 फिर 2nd row 1st column 6, 2s are 12 और 7, 3s are 21 2nd row 2nd column तो क्या होगा 6 into 1, 6 एंड 7, 4s are 28 इसको क्या हो गया, इसको होगा 10, -3, 7 5, -4, 1 12, -21 क्या हो जाएगा 33 एंड 28 + 6, 34 ठीक है, इसको फर्स्ट मान लिया हमने। अब आते हैं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो राइट हैंड साइड देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा ये 2 into 5, 10 फिर क्या होगा 1 into 6, +6 फिर क्या होगा 2 into -1, -2 फिर क्या होगा 1 into 7, +7 फिर क्या होगा 3 into 5, 15 फिर क्या होगा 4 into 6, 24 फिर क्या होगा 3 into -1, -3 फिर क्या होगा 7, 4 into 7, +28 10 + 6, 16 7 - 2, 5 24 + 15 क्या हो जाएगा 39 28 - 3, 25 अब तुम इस मैट्रिक्स को देखो, ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, बिकॉज इसके जो क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम नहीं। हाँ, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो 2 by 2 है, यहाँ भी 2 by 2 है, यहाँ भी 2 by 2 है, बट इनके क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। देख लो यहाँ पे 6 है एक एलिमेंट, और यहाँ पे क्या हमारा है 7 एलिमेंट है, तो ये तो इक्वल है नहीं, तो क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स होगा, इसको कैलकुलेट किया है ना, दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तो क्या हम लिखेंगे क्या from 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बस हो गया, ये वाली चीज आ जाएगी हमारे पास।
इक्वेशन वन और टू से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया हमारा यहाँ पे, बस हो गया। मतलब हमने एक शो कर दिया, बोल रहे हैं ना दिखाने के लिए, तो ये हो गया प्रूफ। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट में हमारा, सेकेंड पार्ट में है हमें क्या दिखाना है, एक दे रखा है 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये एक मैट्रिक्स हो गया। फिर क्या दे रखा है, -1 1 0 0 -1 1, फिर 2 3 4 2 3 4 इज नॉट इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स क्या है, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है। तो इसका सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस तो आप जानते हो, 1 को -1 से तो -1, फिर 2 को 0 से तो 0 छोड़ दिया, 3 को 2 से 6, तो ये हो गया -1 + 6। फिर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1 को 1 से तो 1, फिर 2 को -1 से तो -2, फिर क्या होगा 3 को 3 से तो +9, फिर क्या हो गया फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो 1 को 0 से तो 0 हो गया, फिर 2 × 1 2, फिर क्या होगा 3 × 4 + 12, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × -1 0, फिर क्या होगा 1 × 0 0 2 × 0 0, तो ये 0 हो गया। फिर अब क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 1 0 1 × -1 -1, अच्छा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 1 हो गया 0 1 × -1 -1, फिर क्या होगा 0 × 3 तो 0 तो छोड़ दिया, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 × 0 0 1 × 1, तो ये हो गया 1, फिर 0 × 4 0, तो ये 1 ही रहने दिया, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 -1, फिर क्या होगा 1 × 0 0, फिर 2 × 0 0, तो रहने दिया, फिर फर्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 × 1, तो ये हो गया 1, फिर 1 × -1 -1, फिर क्या होगा 0 × 3, तो 0 हो गया तो छोड़ दिया, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 0 0 1 × 1, तो 1 यहाँ पे 1 लिखा, फिर क्या होगा 0 × 4 0, तो रहने दिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया फाइनल। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो गया हमारे पास 6 − 1 5 9 − 9 + 1 10 10 − 2 8 और 12 + 2 14, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या हमारा, ये मैट्रिक्स है, तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड, इसको कैलकुलेट करते, इसको हमने इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास, -1 × 1 - 1, फिर क्या होगा 1 × 0 0 0 × 1 0, छोड़ दिया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 × 2 2, फिर क्या होगा 1 × 1 1 तो +1, फिर क्या होगा 0 × 1 0, छोड़ दिया, सेकेंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 × 3 3, फिर क्या होगा 1 × 0 0 0 × 0 0, तो रहने दिया, फिर 0 × 1 0 -1 × 0 0 1 × 1 1, तो यहाँ पे 1 कर दिया, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 2 0 -1 × 1 - 1 तो -1, 1 × 1 तो +1, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 0 × 3 0 -1 × 0 0 1 × 0 0, तो ये हो गया 0। अब आते थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 2, फिर क्या होगा 3 × 0 0 4 × 1 4, तो 2 + 4,
फिर क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो टू टू ज़ा फोर, तो ये हो गया फोर। फिर क्या होगा, थ्री इंटू वन प्लस थ्री, फिर क्या होगा, फोर इंटू वन प्लस फोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखो, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो टू इंटू थ्री सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स लिखा। फिर क्या होगा, थ्री इंटू जीरो जीरो, फोर इंटू जीरो जीरो, तो ये हो गया हमारा, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। ये हो गया माइनस वन, ये हो गया वन, फोर प्लस टू सिक्स, और क्या हो गया, टू प्लस वन थ्री, माइनस वन प्लस वन जीरो, और फोर प्लस फोर एट, एट प्लस थ्री एलेवन, ये हो गया थ्री, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया सिक्स, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। देख लो ये जो मैट्रिक्स आपके पास है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स देख लो और सेकेंड मैट्रिक्स देख लो, इस मैट्रिक्स को देखो और ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, बिकॉज इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सेम नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। देख लो यहाँ पे क्या हमारे पास फाइव है, यहाँ पे फाइव है, और यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, ऐसे डिफरेंट क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेजन वन एंड इक्वेजन टू, इक्वेजन वन एंड इक्वेजन टू, जो बोला है प्रूफ करने के लिए हो गया। हमसे क्या बोला है, ये दिखाओ, तो ये हो गया हमारा, ये प्रूफ हो गया, इक्वेजन वन एंड इक्वेजन टू से ये प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि हमें ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, इसका वैल्यू चाहिए। कब चाहिए, जब हमें ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, बस जो बोल रहा है करते जाओ। सबसे पहले अब मैं मल्टीप्लीकेशन है ना, वो नहीं करूँगा। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है टू टू वन ज़ीरो वन माइनस वन वन थ्री एंड ज़ीरो। ए स्क्वायर क्या होगा, ए मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करो, तो टू ज़ीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन ज़ीरो। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसको तुम मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, करके देख लेना, फाइव माइनस वन टू नाइन माइनस टू फाइव एंड ज़ीरो माइनस वन एंड माइनस टू, करके देख लेना। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस फाइव ए निकालते हैं, माइनस फाइव इंटू ए मैट्रिक्स, माइनस फाइव ए मैट्रिक्स निकालते हैं, तो माइनस फाइव ए क्या होगा, माइनस फाइव और ए मैट्रिक्स डाला यहाँ पे, टू ज़ीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन ज़ीरो। अब ये जो माइनस फाइव ये तो स्केलर का काम कर रहा है, तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या करोगे, माइनस फाइव इंटू टेन टू माइनस टेन ज़ीरो एंड माइनस फाइव, ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन माइनस फाइव एंड माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव फाइव एंड ज़ीरो। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। उसके बाद सिक्स आई निकालते हैं, यहाँ पे है ना सिक्स आई, तो सिक्स आई निकालते हैं, तो सिक्स आई क्या मिलेगा, आई क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, तो सिक्स ये क्या हो जाएगा, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन, तो ये क्या हो जाएगा सिक्स, सॉरी सिक्स को अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स ज़ीरो 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 सिक्स ज़ीरो 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 सिक्स। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा फिर राइट हैंड साइड ऐड होगा, तो ए स्क्वायर माइनस फाइव ए और सिक्स आई ऐड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन प्लस टू प्लस थ्री, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए एंड प्लस सिक्स आई,
ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ में क्या करना होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू लिखना होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हमारे पास, ये है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। फिर क्या है सेकंड में, क्या माइनस फाइव ए, तो माइनस फाइव ए मैट्रिक्स क्या है, ये है माइनस फाइव ए मैट्रिक्स, तो ये हो गया हमारा माइनस फाइव ए मैट्रिक्स। तो बीच में क्या, सब इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं ना, तो बीच में क्या होगा, प्लस होगा, फिर क्या होगा, थोड़ा इसको, ये हो गया हमारा माइनस फाइव ए मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी, ये हमारा क्या हो गया माइनस फाइव ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा माइनस फाइव ए मैट्रिक्स है, ये क्या हमारा माइनस फाइव ए मैट्रिक्स, और ये क्या हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर प्लस, अब क्या है सिक्स आई, तो सिक्स आई मैट्रिक्स क्या हमारा, ये है सिक्स आई मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये सिक्स आई मैट्रिक्स हो गया यहां पे, ये हमारा सिक्स आई मैट्रिक्स हो गया। बस तीनों को ऐड कर देना है, तो तीनों को ऐड कैसे करोगे, तीनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, फाइव, यहां पे देखो ये फाइव, ये माइनस टेन और ये सिक्स ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, फाइव माइनस टेन एंड प्लस सिक्स ऐड हो गया। फिर माइनस वन जीरो और जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस जीरो प्लस जीरो, तो माइनस वन। फिर क्या हो जाएगा टू, चलो मैं लिखता हूँ टू माइनस फाइव एंड प्लस जीरो। फिर नाइन माइनस टेन प्लस जीरो, तो नाइन माइनस टेन। फिर क्या होगा माइनस टू माइनस फाइव, माइनस टू माइनस फाइव और प्लस सिक्स। फिर क्या होगा फाइव, फाइव माइनस फिफ्टीन एंड जीरो, फाइव माइनस फिफ्टीन। उसके बाद जीरो माइनस फाइव प्लस जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव। फिर क्या होगा माइनस वन प्लस फाइव प्लस जीरो, तो माइनस वन प्लस फाइव। फिर क्या होगा माइनस टू प्लस जीरो प्लस सिक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस सिक्स। तो ये क्या हमें मिल गया, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, इलेवन माइनस टेन क्या हो गया, ये वन। फिर ये माइनस वन, ये क्या हो गया टू माइनस फाइव, क्या मिल गया हमें टू माइनस फाइव मिल गया हमें माइनस थ्री, ठीक है माइनस थ्री। फिर नाइन माइनस टेन क्या मिला हमें माइनस वन, क्या हो गया माइनस सेवन प्लस सिक्स माइनस वन। फिर क्या हो जाएगा माइनस टेन, फिर माइनस फाइव फोर एंड फोर। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, ये जो है ना हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया ए स्क्वायर, अब कई बार मैंने कैलकुलेशन कर दिया, आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके नेक्स्ट क्लास सॉरी नेक्स्ट वीडियो में।